चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये ऑप्शन सेलिंग चॉइस नहीं है, मतलब ऑप्शन सेलिंग किसके लिए चॉइस नहीं है? उनके लिए जिनके पास पैसा नहीं है। अब मैं एक और बात बोलता हूं यहां पे कि ये जो बायर है ना, ये 90% पैसा लूज करता है और ये जो सेलर है ना, ये 90% गेन करता है। ये लूजर है और ये विनर है। अब ये जानने के बाद आप क्या करोगे? सोच बदल रही है आपकी कि भाई हमें तो करना है सेल क्योंकि 90% जीतने आए हैं। पर समस्या ये है कि ये करोगे कैसे बिना पैसे के? जब तक आपके पास 1,00,000 रुपए नहीं होगा तब तक ये करना पॉसिबल नहीं है। अब 1,00,000 रुपए किसी स्टूडेंट के पास कैसे होगा भाई? अब हर बंदा तो राहुल गांधी की तरह ब्लेस नहीं होता ना। अभी सवाल 1,00,000 का है ही नहीं, 1,00,000 तो इनके पास भी आ जाएगा, पेरेंट्स से ले लेंगे। पर सवाल ये है कि कितनी बार 1,00,000 रुपए लोगे? बात तो ये है, आपने एक पोजीशन बना ली। ऑप्शन में तो क्या रहता है, 100 रुपए का एक ऑप्शन ले लिया, फिर आपका मन किया उसमें लॉस हो रहा है, एक और ऑप्शन ले लो, 10 बार ही ले सकते हो ना। पर जब आपने देखा कि भाई 1,00,000 रुपए डिप्लॉय कर दिए आपने और मन कर रहा है कुछ और लेने का, तो फिर और कहाँ से लाओगे? क्योंकि एक लॉट में मन भी तो नहीं भरता भाई, एक लॉट में मन भी नहीं भरेगा, फिर कैसे काम करोगे? देखो मैं ना वो सारी बातें बोलता हूँ जो रियलिस्टिक हैं, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि भाई 14 साल का एक्सपीरियंस है। 14 साल में मैंने 14,000 चीज़ें सीखी हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कब क्या फील करते हो, मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता है। क्योंकि एक टाइम पे शायद मैं भी यही फील कर रहा था ना, तो उसी से तो एक्सपीरियंस आया। मैं कोई ज्ञानी आदमी तो नहीं हूँ ना, मतलब मेरे को कोई वो तो अनुभूति तो हो नहीं जाती किसी चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, हम सेलिंग पर थे। अब ये समझ के कि भाई सेलिंग में 90% हमें प्रॉफिट हो रहा है और केवल बाइंग करके 10% का गेन हो रहा है, और लॉस करने का कितना चांस है? 90%। तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आ रही है? आपके दिमाग में आ रहा है कि हम तो जीतने के लिए मार्केट में आए हैं, लॉस करने के लिए थोड़ी आए हैं। पर अब एक और बात मैं पूछता हूँ, 1,00,000 लगा के ना मिलेंगे 1,000 रुपए, और यहाँ पर ना 1,000 रुपए लगा के मिलेंगे 1,00,000 रुपए, ये भी पॉसिबल है। अब दिमाग खराब हो गया आपका, अब डिसीजन ले कैसे पाओगे? आपको ऐसा लग रहा है यार बड़ा पैसा हमारे पास है नहीं, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने आए हैं। हर बारी ये चीजें आपको टेम्पटेशन देंगी कि 1,000 रुपए लगाओ 1,00,000 रुपए कमाओ, जिसकी वजह से आप अपने आप को ऑप्शन सेलर बना ही नहीं पाओगे, चाहकर भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको मिली कुछ परसेंट राय। अब सवाल ये उठता है कि भाई वो लोग कौन हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अगर लिमिटेड ही गेन मिल रहा है तो ये लोग कौन हैं? तो ये लोग समझदार लोग हैं। समझदार कैसे? एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं अगर आपके पास किसी भी दिन 100 करोड़ रुपये आ गए, तो आप वो 100 करोड़ रुपए से या तो महीने का आप 4 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए सेफ्टी के साथ कमाओ, जिसमें रिस्क बहुत 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 कम है, या फिर 100 करोड़ का करो 500 करोड़। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? मैं तो नहीं लूंगा। भाई महान हो आप तो बड़ा पैसा हमेशा छोटे सिक्योर पैसे के लिए काम करता है, और छोटा पैसा हमेशा बड़े पैसे की के लिए काम करता है। आप बहुत छोटे हैं अभी, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप रोज ना 100 रुपए कमाओ, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए कमाने के लिए थोड़ी 50,000 की फीस दी है आपको। समझ रहे हो ना बात को? देखो समझना, हर चीज के पीछे लॉजिक है। आपका दिमाग इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जिस चीज को सीखने के लिए आपने 50,000 रुपए खर्च दिए, उस चीज को सीख कर रोज आप 100 रुपए कमाने के लिए आए हैं। पर आप ये भूल जाते हैं कि ये 100 रुपए किसी दिन ना 10,000 भी बनेगा, और वो 10,000 रुपए आपके एक्सपीरियंस से 1,00,000 भी बनेगा। इस चीज को पर आपका दिमाग कभी कैलकुलेशन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये चाहता है कि जल्दी से आपको पैसा मिले, जल्दी से आप अमीर बने, जल्दी से आपकी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि सबके पास समय तो लिमिटेड है ना। देखो ना अमर आप हो, ना मैं हूँ, ना दुनिया का कोई व्यक्ति है, सबको एक दिन भगवान के पास जाना है। तो ये डर हमें हमेशा सताता है कि यार दिन तो निकला जा रहा है, टाइम तो निकला जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ना हम हर संभव प्रयास करते हैं, और वो संभव प्रयास जब हमें पता चलता है ना कि यहाँ से हो सकता है 1 का 10, 1 का 100, तो हम सारा एफर्ट वहाँ पर डाल देते हैं। पर हम बिना कैलकुलेशन करे ये काम करते हैं, इसलिए अधिकतर ऑप्शन बायर लॉस करता है। क्योंकि ऑप्शन बायर को ना ये बताया जाता है यूट्यूबर द्वारा कि भाई देखो मैंने 50,00,000 रुपए कमाया आज 1,00,000 रुपए लगा के, और वही दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर आपको कोई भी ये इंसान बता देना कि मैंने आज 10,00,000 रुपए कमाए हैं, तो आपका दिमाग ये कैलकुलेशन करता है कि यार इसने कमाया मैं भी कमा सकता हूँ।
पर वो ये नहीं बता रहा कि वो सिर्फ एक्सेल में उसने मैनिपुलेट करके आपको दिखाया है प्रॉफिट, एक्चुअली में नहीं कमाया उसने। क्योंकि अगर उसने कमाया होता ना तो वो आज इतना खुश होता कि वो वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं होता उसके ऊपर, और वो क्या करता ना, वो पार्टी में व्यस्त होता। आप समझ पा रहे हो? देखो, जो चीज़ें ना हमें दिखती हैं वो सभी सच नहीं होती हैं, ये तय है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ आप तक सच्चाई लाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोलता ऑप्शन में पैसा नहीं कमाया जा सकता, बिल्कुल कमाया जा सकता है, पर 50 लाख रोज नहीं कमाया जा सकता, कभी कभी कमाया जा सकता है। अभी छोटी सी बात बताता हूँ, इलेक्शन डे पर मैंने एक स्ट्रैटेजी थी जो बताई थी, मेरे यूट्यूब चैनल पर बड़ी हुई है। मैंने बोला एक एक लॉट से आप काम करना और कॉल पुट दोनों ले लेना। तो अगर किसी ने ली होती तो पक्की बात है इन्वेस्टमेंट थी मुश्किल से 5,000 की और वो बना है 1 लाख रुपये बना है, यानी 20 गुना पैसा हुआ है वहाँ पर। होता है पैसा, पर 2000 पॉइंट की रोज बैंक निफ्टी में, 5000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में और 1500 पॉइंट की निफ्टी में क्या रोज मूवमेंट आती है क्या? रेयर केस में आती है, तो रेयर केस में तो पैसा भी बनता है। अब ये रेयर केस में पैसा किसका बना? जिसने सही चीज़ सीख कर सही चीज़ अप्लाई की, इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है। पर जब आप किसी भी दिन एक पर्टिकुलर पैसा कमा लेते हो ना, आपका दिमाग खराब हो जाता है। मैं सर से रेफरेंस लेता हूँ यहाँ पे। सर ने एक दिन पहले क्या किया, 1 लाख रुपये कमाया। अब देखो भाई कितनी सच्ची बात है, और आपके बीच का उदाहरण है। जिस दिन एग्जिट पोल का रिजल्ट आया, सर कमा रहे थे 1-1.25 लाख रुपये, हाईली मोटिवेटेड। और अगले दिन भी सर ने क्या सोचा, अच्छा इन्होंने क्या सोचा वो छोड़ दो, हर इंसान ऐसे ही तो सोचता। एक दिन पहले जिसने 1 लाख रुपये कमाए हों, वो कैसे अपने हाथ को रोक लेगा अगले दिन के लिए, जब 1 लाख और कमाए जा सकते हैं। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जब भी आप किसी भी दिन अच्छा प्रॉफिट करते हो ना, अगला दिन आपका दिमाग कहता है चल आज भी करते हैं। आप समझ रहे हैं? देखो, सुख ना ऐसी चीज़ होती है, और वो अगर पैसे का हो ना तो उससे इंसान बच नहीं पाता। जिस दिन भी आप किसी पर्टिकुलर काम से अच्छा पैसा कमाएंगे, अगले दिन भी आपका दिमाग बोलेगा एक बार और कर ले। तो जो अगला एक बार ही होता है ना, अगर वो कैलकुलेटेड नहीं है और सही मौका नहीं है, तो जो आपने एक दिन पहले पैसा कमाया वो चला जाएगा। सर के साथ ऐसा हुआ, बट ये लकी हैं, आज वापस आ गया, लकी रहेगी आपके पास वापस आ गया। पर ये सोच ले कि इन्होंने कमाया, गवाया, फिर कमाया। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई ये जो ऑप्शन बायर है ये क्यों बाज नहीं आ रहा बाइंग से? क्योंकि इसको यूट्यूबर द्वारा बताया जा रहा है कि 1 का 100 बनेगा और 13 ही बनेगा, क्योंकि मेरा भी बन रहा है। समझ रहे हो? देखो छोटी सी बात बताता हूँ, झूठ का खेल ना ज़्यादा, देख मैं एक चीज़ मानता हूँ यार, मैं बोलता हूँ कि तुम्हें ना लाइफ में झूठ कब बोलना है ना, ये तब डिसाइड करना। मतलब झूठ अगर बोलना पड़े ना ज़िंदगी में तो तब बोलना, या तो तुम्हारी जान बच रही हो या सामने वाले की जान बच रही हो, नहीं तो झूठ मत बोलना। ये बहुत खतरनाक होता है, एक को छुपाने के लिए 36 बोलने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़, यूट्यूब पर ना सारा खेल झूठ का ही हो रहा है। आप समझ पा रहे हो? देखो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ ना उस चीज़ को आप भी बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझना, देखो आप दोनों ट्रायल लेने आए हो, आप भी जब मेरे से मिले थे ना तो मैंने आपको बोला था एडमिशन तब लेना जब ये मेरी टर्म कंडीशन मान लो, नहीं तो आपने एडमिशन लिया नहीं है, पैसा बचा लेना। और कहीं ना कहीं मैं आपको यही सिग्नल दे रहा था, देखो अगर मेरे पास पैसा है और मैं कामयाब हूँ तो आपके 1 लाख से मेरा क्या भला होगा? अगर मैं काबिल हूँ तो मैं मार्केट में पैसा कमा रहा हूँ, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। आप समझ पा रहे हो? तो मैं एक ऑनेस्ट राय देता हूँ सबको, क्योंकि एडमिशन से पहले बोलता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अभी तक पैसे नहीं दिए। पैसा तुम्हारा, काम तुम्हारा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे पास आओ और सीखो। ये एक ऑनेस्ट मेरी ओपिनियन है, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास तो आपसे 1 लाख रुपये आ रहे हैं जो बच जाएंगे। पर एक बात बताओ, अगर मैं अपने आप को सच्चा इंसान बोलता हूँ, बोलता हूँ कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं तो हिपोक्रेट हूँ ना। अगर मैं बोलूँ नहीं जी आपको मैं पैसे कमवा के दूंगा, आप तो लो एडमिशन, मेहनत आपको नहीं करनी है, मैं करूँगा आपके लिए मेहनत, तो मैं तो झूठा आदमी हो गया ना। अब मैं YouTube पर आया इसलिए आया, आप देखो फ्री में मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जो लोग जिसके लिए 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं मैं फ्री में दे रहा हूँ वो ज्ञान। तो कहने का मतलब है मेरे को ये डर नहीं है कि यार मेरा काम जो है ना कम हो जाएगा या मेरे पास मेरा धंधा कम हो जाएगा। भाई मेरे पास 36 जगह से पैसा आ रहा है, एक जगह से कम भी आया तो चलेगा ना, क्या दिक्कत है? पर मैं भगवान की नज़र में तो सही इंसान हूँ ना, कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। पैसे के लिए काम नहीं करता तो पैसे के लिए नहीं कर रहा, और वो आप देख पाते हो और समझ भी पाते हो। आप समझ रहे हो? कहने का मतलब है यही YouTube पे ना ईमानदारी नहीं है, YouTube पे ना आपको यही बताया जाता। अच्छा, मुद्दे की बात ये है, मेरे स्टूडेंट 5-5 साल पुराने हैं, वो मेरे को मैसेज करते हैं, मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। आप किसी का कोर्स खरीद लो, आपने ऑनलाइन कोर्स खरीदा है, अब आप ना उस बंदे को बोलना मुझे ये परेशानी आ रही है मेरे को सॉल्व कर दो, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। अब यार किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है मैं तो ये नहीं समझ पा रहा ना। अगर आप किसी की भलाई कर रहे हो, उससे पैसा भी ले लिया, तो यार उसको सर्विस तो दोगे। अब ले रहे हो आप 5-5 लाख रुपए, ऐसे यूट्यूबर भी मार्केट में 5 लाख रुपए ले रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाते फिर आपका। अच्छा, दूसरी चीज़ तो आपको सही ज्ञान ही नहीं दे रहे हो।
देखो मैं अपनी क्लास में हमेशा ये बोलूंगा कि आपको ना ऑप्शन से एक लॉट करना है, और वो भी तब जब सीख कर करना है और अपना रिस्क आपको पता हो। पर यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं, 1 लाख से कर लो, 10 लाख से कर लो। अच्छा फिर क्या होगा, होगा ये कि आपका पहले तो नुकसान ही होता है, अब वो नुकसान में जो हमारा हार्ड कोर कैपिटल है हम जीरो कर चुके हैं, तो हमारी संभावना ही खत्म हो गई है। फिर संभावना खत्म हो गई है तो फिर पैसे कमाएंगे कैसे? देखो आपको मैं मिला तब जब आपने पैसा लूज कर दिया, तो मैं भी आपके काम का कहाँ रहा, सिर्फ आपको ज्ञान ही दे पाऊंगा, जिससे आप अपनी पुरानी गलतियों से सिर्फ सोच के हंसेंगे, जैसे अभी हंस रहे हैं कि यार पहले सर के पास आते तो पैसा बच जाता। तो मैं ना आपको ना केवल पैसा कमाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको पैसा कैसे बचेगा ये बताना भी सिखा रहा हूँ। और अगर आपने मेरी बात मानी ना, तो मैं नहीं बोल रहा कि आप बिल गेट्स बन जाएंगे, पर ये है यार 5,000 रुपये कमाने के लिए ना, आप किसी की नौकरी नहीं करेंगे, रोज के 5,000 रुपये आप कमा सकते हैं। और मुझे बताओ यार इंडिया में कितने लोग ना महीने के 1 लाख रुपये कमाते हैं, कितने लोग हैं? अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि अगर आप महीने का 1 लाख या उससे ज़्यादा कमाते हैं, तो आप उन 0.8% लक्की लोगों में जो इंडिया में सबसे रिच हैं, तो आप तो उस कैटेगरी में आ जाओगे 1 लाख रुपये कमाते ही। तो आप अपने आप को हल्के में ले रहे हो, आप इंडिया के 1% रिचेस्ट लोगों में आ रहे हो 1 लाख कमाते ही। अब वो तो शुरुआत है, धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, कॉर्पस भी बड़ा होगा, आपका पैसा भी बड़ा होगा, और एक दिन आप 1 लाख रुपये भी कमा रहे होगे। पर वो दिन एक दिन में नहीं आएगा, 6 महीने में भी नहीं आएगा, उसके लिए सालों लगेंगे, आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर इतना आसान होता तो दुनिया की गरीबी तो मैं ही दूर कर देता ना भाई, क्योंकि मैं तो वो इंसान हूँ सबको सिखा रहा है पैसा कैसे बनता है। तो क्या मैं ये कर पाया? नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप जब तक खुद समझदार नहीं होंगे, कोई भी इस बात का एश्योरेंस नहीं लेगा कि आप अपना बेहतर टाइम लेके आ पाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी समझदारी ही आपको बेहतरीन इंसान बनाती है और आपको एक सशक्त ट्रेडर बनाती है। अदरवाइज दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं, इंक्लूडिंग मैं भी नहीं हूँ। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सही चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। भाई मैं कौन होता हूँ आपको अपलिफ्ट करने वाला? आपकी मेहनत और सही ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। अब YouTube पे जो मैं वीडियो डालता हूँ, उस पर कमेंट आते हैं, सर आपकी स्ट्रैटेजी से हमने 20,000 रुपये कमा लिए, मुझे बड़ी खुशी होती है। जो इंसान मेरे तक नहीं आया, मेरी सही नॉलेज लेकर अप्लाई करके पैसा तो बना रहा है, तो मुझे खुशी होती है। अब आप समझो, पर वो चाहते हैं कि मैं उनका रिप्लाई भी दूं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मेरे पास टाइम होता तो मैं भी झूठी बोल रहा होता ना, मैं भी झूठी बोल रहा होता, देखो आज मैंने 1 करोड़ रुपये कमा लिया। जो कमाता है वो बताता थोड़ी है, इस तरह थोड़ी बताता है वो, मतलब अंबानी चिक चिक के बोलता है, देखो जी आज मैंने 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। अरे यार ये झूठ बोलने की ज़रूरत उसको पड़ती है जिसके पास नहीं होता। जिसके पास नया नया पैसा आता है ना, वो पता है क्या करता है? यही काम करता है, समझ रहे हो बात को? पर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कुल मिला के, क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं। अब देखो जितने मेरे स्टूडेंट हैं ना, वो एक्नॉलेज करते हैं कि सर आप बिल्कुल सही बोलते हो, हम आपके साथ इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, वो किसी पैसे से बहुत ज़्यादा है, इसलिए झूठ बोलने का मन क्या मतलब थॉट भी नहीं आता। मतलब अगर किसी चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है और आपको बुरा लगेगा, आप मतलब मैं आपको बोलता हूँ जी सर ऑप्शन मत करना, ऑप्शन में हमेशा लॉस होगा, पर आप मेरे से ये सुनना चाहते हैं कि सर ऑप्शन करो आप, मैं कभी नहीं बोलूँगा सर आपको जिस चीज़ में आपका नुकसान होगा, भले ही आप सुनना चाहें मुझसे कुछ भी, आपको सुनना चाह सुन के कुछ भी खुशी हो, मैं वो स्टेटमेंट देने वाला हूँ नहीं जिससे आपका नुकसान हो, आप समझ रहे हैं बात को? तो मैं सच बोलूँगा, अच्छा लगे आपको बहुत अच्छी बात है, बुरा लगे तब भी अच्छी बात है, मैं नहीं बदलूँगा, ना ही मैं बदलाऊँ। मेरा नाम है अतुल, मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई, उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया।
जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588-68475 और विजिट www.onlinenifm.com।